ये भी नसीबां वाले ने जी जिहड़े दुबारा आए ने 70-71 साल बाद अपने पिंड औलख उताड़ तुहाडे नाल तुहाडा वीर असम नबीपुरिया गांव वाला भी देख लो अगर बेताब और वो भी गांव वालों से मिलने बेताब मैंने यह मेवा तीन आवे पे मैंने तो सिखा के भेजेंगे नहीं मेवा तो उधर ही आएगा उधर सिख लेंगे मेवाती अभी पंजाब च राजस्थान नहीं है ना नहीं तो मेवाती बोलने वाले भी इतने बाद आए ना पार्टीशन तो ये उधर चले गए तो मेवाती इधर आ गए बोली तो साड़ी इतो ही रहनी है इतो ही गए हैं राजस्थान में गंडा सिंह वाले तो 20 किलोमीटर रह जाता है पिंड पिंड है जिला कसूर गोली का आर्डर है अंग्रेजा ने गोली का हुक्म सुनाया बाबू गुरदेव सिंह नूं तहसीलदार सी कोई इलेक्शन दा रौला सी ते ओह तहसीलदार हैगे अंग्रेजा दा ते कुटदे ते पहले हुंदे सी बंदिआं नूं भेज के ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ गोली मार दियो ठीक है फिर जो वेख्या भी दूजे दूसरे पगले ਇਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ 50-60 ਬੰਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜ਼ੇਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਡਰ ਕੁਰਸੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50-60 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਲਬੀਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾ ਬੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਰਾਜਾਂਗ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਦਾਂ ਵੇਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਜਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਫ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟ ਗਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਮਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਅਮਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਪਹੇਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਾਂਗਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਮਜ਼ਾਦ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ਿਵਾ ਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਸੁਣਿਆ
गोले वादू सन अज पठे मुठ को ले आ मिल गया परे जाके बांडिया बठिंडे 100-100 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर ते फिर नहीं काम सहूलत आया इतने सरदारी करते काम नहीं होया फिर पासों वाली आ गए हरिंदर सिंह साहब लो जी मूवी तुमने बनानी तुहाडे की जज्बात ने इत्थे आ के सारा तुसीं ना अपना एक्सप्लेनेशन करो ते दसो नाल आ के ना पहले अपने बुजुर्गों दा नाम दसो बुजुर्गों दा नाम दसो सारा कुछ ते मूवी बना लो हां हरदेव सिंह जी एक मिनट हां गोल दिखा नहीं गा तो करो दिया तो पहले हां तुम पहले देख लो लोग दिखा तुम ने उन्हें की देखी ना है उन्हें दिखाओ मूवी दी फोटो खींचन दे हाँ जी ये पिंड है जी औलख उताड़ जिला कसूर है इस टाइम तो सबका जिला सी लाहौर कोट राधा किशन दे अपना नाम दसो पहले मेरा नाम हरिंदर सिंह औलखा जी हाँ असि औलखी लाने हूँ तक भी आते 70 साल हो गए हूँ कितों तशरीफ लियाए मैं फिरोजपुर तो पिंड कस्बे को ठीक है जी गुरदेव सिंह औलख मेरा पड़दादा सी बची सिंह औलख मेरा दादा जी ठीक है बाकी जज्बात की इन्हों करके अपना चौधरी साहब करके ते अपना मास्टर जी यूनस करके इतने पहुँचे थोड़े को इन्होंने इन्हों रबता रख्या इन्होंने स्पोंसर करता तो मैं जाके वीज़ा लाया वीज़ा भी बहुत औखा मिलया तो वह मिल गया तो हूँ थोड़े को इतने आ गए हैं तो गांह हूँ सारा परिवार आएगा तो ठीक है जी किस तरह का इतने का माहौल लगा किस तरह का उसी की सोचते इधर के बारे च इधर बारे सोचते से भी मैं नहीं सोचता गा सारे सोचते जो मीडिया ने कहा भी इतने बड़ा खतरा हालात खराब आ वो है आए जी पर जो मैं आया बार्डर तो क्रॉस किया उदो मैं सारा कुछ ठीक लगा उ गल ही नहीं यार लोगों से इन्ना प्यार हो इन्ना तो उधर भी नहीं है सही गल बहुत प्यार सी कल दे आए हैं सरदार जी सरदार साहब घर के जितों लंघी दा वधिया लगता हाँ बहुत प्यार है लोगों च हूँ जाके दसांगे भी हालात नहीं खराब सारा कुछ वधिया अपने एस वीर करके इन्होंने पहले वीडियो बनाई सी नबीपुरिया सरफराज अहमद नबीपुरिया इन्होंने मैं भेजा सी वीडियो बना के तो उन्होंने इन्हें बाबा जी ने इंटरव्यू ली तो अपना मास्टर यूनस ने नंबर छड़ता उस नंबर तो मैं कंटैक्ट कर लिया बस उदो रबता हो गया शुरू पिंड नाल ते बहुत सारे जी लोग उधरों भी आना चाहते ने ते वो तेरा थोड़ा जा प्रोसेस दस दे जे के लोग आना चाहते हैं वीजा बहुत औखा मिलता अच्छा जी हाँ बहुत औखा मिलता वीजा सौखा नहीं मिलता गा कई तो हौसला छड़ जाते पर मैं हौसला नहीं छड़िया गा मैं वारी वारी गेड़े लाए दिल्ली दे ते वीजा लेके छड़िया चलो जी चलो जी मास्टर यूनस साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया तो पाकिस्तानी अंबैसी का बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं स्कूल से ना थोड़ी सी छुट्टी लेकर जा रहा था तो ये भाई स्कूल में फिल्म बना रहे थे हमारे स्कूल की मैंने इनसे पूछा भाई आप क्यों फिल्म बना रहे हैं क्या वजह है इन्होंने कहा जी यहाँ गुरदे सिंह रहते थे तो उनके जो ना पोतरे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे गांव की ना तस्वीर बना के गांव की मूवी बना के भेजें मैंने इनसे कहा भाई इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा आप उनसे कहें भी इधर गांव में आए गांव को देखें हमारा गांव नहीं ये गांव तो उनका है हम तो बाद में आए हमसे पहले हज़ारों सालों से वो रहते थे उनके बुजुर्ग इधर तो इन्होंने कहा कि आप भी अपनी मूवी बनवाएं और उसमें अपना नंबर बता दें
मैंने नंबर बता दिया, नंबर जैसे ही वो गया नेट पे लोड हो गया तो इनके पास गई मूवी, हरिंदर सिंह साहब के पास, इन्होंने लोड कर दी। तो इनके अपलोड करने की वजह से एक फोन आया मुझे कनाडा से, कनाडा से मुझे फोन आया और मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ मलूक सिंह। मैंने कहा मलूक सिंह? उन्होंने कहा जी आपकी मूवी बनी थी और वो नेट पे आ गई, मैं उसको देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं भी ओला को उतार के, हमारे बुजुर्ग भी ओला को उतार के रहने वाले थे और उनका नाम था, उनके हमारे दादे का नाम था सरैन सिंह और हरैन सिंह, उनके दादे का नाम था। तो उन्होंने कहा जी हमारे बारे में आप जरा, हमारे वो हवेली में हमारे मकान भी थे, आप जरा मूवी जाके बना कर जरा भेजे। मैंने वकास की ड्यूटी लगाई, वकास आया और कुछ यहाँ से और लड़के थे जिन्होंने इनकी हवेली की मूवी बना के, और फिर हमने वो नेट पे लोड कर दी। नेट तो अब आज फेसबुक का इतना फायदा है, हम इधर से उसको लोड करते सारी दुनिया में लोग देखते हैं उसको। तो उन्होंने उन्होंने मुझसे लगातार रब्ता रखा हुआ है। रात भी हमारी काफी देर बात हुई, हरिंदर सिंह से भी बात हुई, उनकी मुझसे भी बात हुई, अपने उसने खानदान, उनके अपनी बीवी सबसे हमारी बात करवाई, सारा उसने अपना कारोबार दिखाया। अब वो जो है वो भी फरवरी में आ रही है, खामोश भी तो वो भी फरवरी में इधर आ रहे हैं मलूक सिंह साहब। लो जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ ਐਮ ਨਵੀਪੁਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਐਸ ਐਮ ਨਵੀਪੁਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵਧਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।